अस्सलाम वालेकुम। ये आज किट आई है हमारे पास, एक E5 का है, डेड है किट। ये किट डेड है, लेकिन उन्होंने तो ये कहा कि इसका जो माइक्रो प्रोसेसर है ये वाला, ये डेड है। किसी मैकेनिक के पास गई थी, उसने ये बताया कि ये डेड है। अब मैं चेक करने लगा हूँ कि इसमें मसला क्या है क्या नहीं है इसमें। ये देखें आप, मैं अब इसको चेक करूँगा कि ये जो है, पहले सबसे पहले इसकी जो है ना 5 वोल्ट की सप्लाई, वो चेक करेंगे। तो इसको देखें कि ये इधर से मैंने लगाया है, ये देखें, ये इधर से जो है ये शॉर्ट, ये देखें कैपेसिटर की ये है, ये ठीक है, ये कैपेसिटर इधर से ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसको इधर से टच करता हूँ, इसमें कॉर्ड, ये देखें इधर से जो है, इधर से ये फुल शॉर्ट है, ठीक है। यहाँ से ये 78.5 है, जो देखें ये फुल शॉर्ट बता रहा है, ये देखें 78.5 जो है ये शॉर्ट बता रहा है। और इसमें अब इसमें ये सप्लाई है इसकी, ये वाली, इसमें ये देखें ये कैपेसिटर लगा होता है, इसमें ज़रा कार्बन सा होता है, वो लगी होती है शलोशन शाह वो वाला जो इसमें लेकर है। लेकिन ये देखें ये भी शॉर्ट है, यहाँ से भी शॉर्ट है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा ना ये लगाएं, और ये देखें यहाँ से कार्बन इसमें आता है, ये देखें ये शॉर्ट बता रहा है। इसके साथ ही इसमें जो चीज़ ये है, ये कहीं से कोई चीज़ शॉर्ट है या ये शॉर्ट है या कोई और चीज़ शॉर्ट है, इस तरह हमें नहीं पता चलेगा इसका शॉर्ट चेक करने का। और जो ये 15 वोल्ट सप्लाई है, यहाँ पे चेक कर लें आप, ये देखें सिर्फ कैपेसिटर की वो आ रही है बीप, और ये शॉर्ट यहाँ पे भी ये शॉर्ट, ये देखें कैपेसिटर बीप है सिर्फ, ये शॉर्ट नहीं है। अब 5 वोल्ट की जो सप्लाई है वो शॉर्ट है, वो चेक करेंगे किस जगह से शॉर्ट है, कैसे, इस तरह हमें नहीं पता चलेगा इसका ये कहाँ से शॉर्ट हुई हुई है। क्योंकि इस तरह तो इसके सारे जो कंपोनेंट लगे हुए हैं वो सारे हम निकाल लेंगे, एक एक निकाल निकाल के चेक करेंगे, या कोई कैपेसिटर शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, इस तरह हमें नहीं पता चलेगा। इसका आसान हल यही होता है कि इसे आप शॉर्ट कलर से सप्लाई दें, जो भी चीज़ शॉर्ट, इसमें ये शॉर्ट हो या कोई चीज़ भी शॉर्ट हो, वो इसमें हमें पता चल जाएगा, या वो ब्रस्ट हो जाएगी या गर्म हो जाएगी या हीट अप, जो भी हो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ शॉर्ट। अगर ये माइक्रो प्रोसेसर ख़राब है तभी पता चल जाएगा, कि अगर कोई और चीज़ ख़राब है तब भी हमें पता चल जाएगा। अब हम इसे देते हैं सप्लाई शॉर्ट किलर की मदद से, ये देखें ये सप्लाई है, ये मैं इसको शॉर्ट किलर से देख लें, 5 वोल्टेज जो है पूरे मैंने कर लिए इन पे दो प्रॉब्लम पे। अब शॉर्ट किलर से इसको मैं दूंगा सप्लाई दूंगा, लेकिन ये आपने बहुत एहतियात का काम है, गलत नहीं देनी आपने सप्लाई, वरना सब कुछ जल जाएगा, सही होगा तब भी जल जाएगा। सप्लाई दे के ऐसा ऐसा अम्पेयर, मैं पहले इसको 1.5 अम्पेयर, 2, 3, 5 ऐसा ऐसा अम्पेयर बढ़ाता जाऊंगा। ये देखें ये यहाँ से अगर रेगुलेटर से 5 वोल्टेज यहाँ पे और यहाँ पे आउट होते हैं इसके, ठीक है जी। जैसे ही मैं देखें सप्लाई इधर दूंगा, सप्लाई देता हूँ इधर से, ये देखें इधर मैंने सप्लाई लगाई, उसी वक्त 1 अम्पेयर बढ़ा दिए। और अब मैं इधर देखें जरा, कोई चीज़ यहाँ से कोई चीज़ हीट अप इसकी हो रही है, किट नहीं ऑन नहीं हुई, लेकिन ये देखें कोई चीज़ इसमें, कोई चीज़ हीट है, कोई चीज़ हीट, हाँ ये देखें, या ये वाला जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर काफ़ी काफ़ी हीट हो गया, ये वाला कैपेसिटर हीट हो रहा है, ये वाला, इसको अब हम देखते हैं ये क्यों हीट हो रहा है, ये कैपेसिटर हीट है ये वाला, अब इसको निकालते हैं, ये इसको देखते हैं क्यों हीट है या क्या मसला है, इसको निकाल के चेक करते हैं। ये अब हम इसको ना निकालेंगे, ये स्पेशल होता है SMD के लिए, इसको मैं ये देखें इधर भी देख लें उधर भी देख लें, ठीक है। ये देखें इस तरह इसको पकड़ना आपने, ये देखें ऐसे उधर दिखा दें, ये देखें इस तरह इसको बड़ी आसानी से आपने उठा लेना है इससे, ठीक है जी। ये उठा के अब हम इसको चेक करेंगे कि ये वाला जो है हमारा सर्किट ठीक हुआ है या नहीं हुआ। ये देखें मैं अब इसको अच्छी तरह ना साफ कर लेना है, इधर से दिखा दें जरा, ये देखें इधर इससे अच्छी तरह ना इससे साफ करें, पेस्ट वगैरह कोई चीज़ ना हो इसमें, अगर लगी हुई हो तो इससे भी शॉर्टेज हो जाती है। ये देखें मैंने अच्छी तरह इसको क्लियर कर लिया है, नीट एंड क्लीन हो गया है ये। अब मैं इसको इसके वो करंट दूंगा, पहले इसको खुशक करें इसको, ये देखें इसको टिश्यू की मदद से ना मैंने अच्छी तरह खुशक कर लेना है, ताकि हो सके तो थोड़ी सी हीट गन या कोई ड्राई वगैरह इस पर लगा ले, ताकि ये अच्छी तरह खुशक हो जाए। इसको ना ये जो नमी छोड़ जाता होता है थिनर लाजमी, इसलिए इसको इस तरह कभी नहीं लगाना, अगर चीज़ आपकी ठीक भी होगी तो वो जल जाएगी, ठीक। ये अच्छी तरह नीट एंड क्लीन कर लिया मैंने, खुशक कर लिया। अब मैं इसको
वोल्टेज दूंगा पहले, सबसे पहले सप्लाई अलग से बाहर से सप्लाई देके चेक कर लूंगा, उसके बाद 220 देंगे इसको। ठीक है, पहले 5 वोल्ट देते हैं इसको अब। ठीक है, ये देखें, मैं इसको सप्लाई से 5 वोल्ट दूंगा और देखेंगे कि ये ऑन होगा या नहीं होगा, या कोई और चीज़ शार्ट तो नहीं इसके अलावा इसकी। हो सकता है कोई और चीज़ भी शार्ट हो सकती है, पहले इसकी शार्ट भी चेक कर लें मीटर से। ये देख लें, मैं अभी इसको यहाँ से ये लगा रहा हूँ, ठीक है, ये शार्ट नहीं है। अब मैं इसको वोल्टेज दूंगा, ये मुझे यहाँ पे तसल्ली होगी कि ये ठीक है। अब मैं इसको वोल्टेज 5 वोल्ट मैंने पूरे कर लिए सप्लाई से। ये वही बात फिर आ गई कि यहाँ पे इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव लगाना और नेगेटिव को नेगेटिव। ये अगर ठीक हो गया तो ये लाइटें ऑन होंगी, और हमने ये अब तसल्ली होगी कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो है वो बच गया है, ये ख़राब नहीं हुआ। लेकिन ये जो है, ये कैपेसिटर जो जला है, ये मैंने पहली दफ़ा ही काफ़ी मतलब सर्विस के बाद देखा है कि ये शॉर्ट है। वो एक दफ़ा पहले एग्री का था और ये आज दूसरा कैपेसिटर है जो शॉर्ट हुआ है, लेकिन कभी ये देखें। ठीक है जी, ये माइक्रो प्रोसेसर इसका ठीक है, ये लाइटें इसकी ब्लिंग होगी। अब मैं इसको बकायदा इसको वोल्टेज दूंगा और देखते हैं वोल्टेज दे के ये किट ऑन हो रही है कि नहीं, बाकी सर्किट ठीक है हमारा या नहीं है। ये अब मैं इसको सप्लाई देने लगा हूँ, ये आपने लाइटों पे इसकी फोकस करनी है, देखें कि ये चलती है या नहीं। उसके बाद इसके वोल्टेज भी देख लेंगे पूरे हुए या नहीं। ये देखें लाइटें तीनों जल के ये ऑफ होगी, ये किट हमारी ठीक है। इसका माइक्रो प्रोसेसर ठीक था, लेकिन वो कैपेसिटर शॉर्ट की वजह से उन्होंने ये कह दिया कि ये ख़राब है, किट ही ख़राब कह दी है। अब हम इसके वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे रख के मीटर को कि पूरे आ गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 75 पे 5 वोल्टेज जो है हमारे पूरे बन गए, यानी देखें। ठीक है जी, 5 वोल्टेज यहाँ पे भी हमारे पूरे आ गए हैं। और जो IPM है इस पे चेक कर लेते हैं कि इस पे 15 वोल्ट आ गए या नहीं आए, ये हम यहाँ से इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ये देख लें, ठीक है जी, यहाँ पे पूरे आ गए। अब 12 वोल्टेज की सप्लाई जो यहाँ पे आती है, यहाँ पे इस तरफ इसकी होती है पिन दूसरी, और ये होती है इसमें VCC, ये भी चेक कर लेते हैं। ये देखें 12 वोल्टेज भी आ गए हैं और हमारी किट के पूरे वोल्टेज पूरे हो गए। हमारी किट अब ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जला हुआ था तो ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे वोल्टेज आते हैं पूरे, यहाँ पे 5 वोल्टेज यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे पॉजिटिव, और ये देखें इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, यहाँ पे 5 वोल्टेज इसके पूरे मिलते हैं। ये देखें ठीक हो गया, ये शार्ट हुआ था तो 5 वोल्ट की सप्लाई शार्ट हो गई थी। इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर की वजह से, जिसकी कोई बेजरस ही कीमत है, पूरी किट को उन्होंने कह दिया कि ये खराब हो गई है, डेड है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर खराब था जो शॉर्ट कलर की मदद से हमने देखा है। जैसे कि अगर मैं वैसे चेक करता तो बेशक मैं एक एक कंपोनेंट बाहर निकाल लेता, ये बड़ा वक्त लगना था चेक करते हुए, बड़ा टाइम चाहिए था इसको रिपेयर करने के लिए। इसलिए इसमें जब मैंने इसको चेक किया, शॉर्ट कलर से चेक किया, तो आसानी से आप भी इस तरह चीज चेक कर सकते हैं। ये ना रहे कि ये चीज खराब है, कोई चीज इस तरह अगर हजारों किटें जो है छोटे छोटे कंपोनेंट की वजह से खराब। ये देखें, इसको डिस्चार्ज भी हम करते हैं, इसका कैपेसिटर भी चार्ज हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन पहले ये डेड थी किट, जाया थी। इसके माइक्रो प्रोसेसर को उन्होंने कह दिया था जाया था, लेकिन अब ये ठीक हो गया है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया जी, खुदा हाफज़।